हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सुबह का टाइम है तो आप सभी को गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। और यहाँ पर साफ सफाई हो रही है, घर की साफ सफाई हो गई है और बाहर की साफ सफाई चल रही है अभी। तो टेबल कुर्सी सारे को अच्छे से पोछ देते हैं कपड़े से भिंगा कर, तो साफ़ सुथरा हो जाते हैं। थोड़ा इसी पर खाना वगैरह सभी खाते हैं, तो साफ़ सुथरा तो ज़रूरी है इन चीज़ों का। तो फ्रेंड्स, साफ़ सफाई कर लूँगी और इसके बाद स्नान ध्यान हो जाएगी। और स्नान ध्यान करने के बाद सीधा मैं आप लोगों से नाश्ते की तैयारी करूँगी, तब मिलूँगी। तो स्कूल भी जाना है बच्चों को और तैयारी भी करना है नाश्ते की, तो चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज बनाते हैं पोहा, जो कि बिल्कुल ही हेल्दी तरीका से बनाएंगे, जो किसी भी बड़े यूट्यूबर लोग नहीं बनाए होंगे वैसी पोहा मैं आज बनाने वाली हूँ और पोहे में फेल करने वाली हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, पोहे के लिए मैंने यहाँ पर रखा है चना जो अंकुरित है, जो कि बहुत फ़ायदेमंद है। टमाटर, बादाम, पत्ता गोभी, मिर्च सभी को काट रखा है। और पचफोरन के लिए, मतलब फोरन के लिए मैंने यहाँ पर क्या कहते हैं इसे, सरसों रखा हुआ है। और यहाँ पर घी डाल दी हूँ कढ़ाई में। और घी डालने के बाद तुरंत बादाम डाल दूँगी और बादाम को अच्छे से इसे भूनकर मैं निकाल लूँगी। तो ये पोहा बहुत ही हेल्दी के साथ साथ पौष्टिक भी है। और सुबह सुबह बच्चों को ऐसे करके देना तो बहुत बच्चे खाते भी हैं और फ़ायदा भी करता है, तो ये ज़रूर बनाएं। तो देखिए, मैंने निकाल चुकी हूँ और इसके बाद फिर से थोड़ा सा घी डाला है। और घी डालने के बाद तुरंत मैं इसमें फ़ौरन डाल दूँगी, जो कि मैंने पीली सरसों डाला है और हरी मिर्च डाला है बस, और ज़्यादा मसाले तेल नहीं डालती हूँ मैं। और यहाँ पर देखिए, अंकुरित चना डाल दूँगी और इसे थोड़ी देर के लिए भून लूँगी, और इसे ज़्यादा मैं नहीं भूनूँगी जिससे कि ये ख़राब हो जाए। और तुरंत ही इसमें पत्ता को भी डाल दूँगी और टमाटर भी तुरंत ही डाल दूँगी। और इसके बाद इसमें नमक डाल दूँगी ताकि ये नमक से पक जाए, पानी छोड़ दे, उसी पानी से ये पक भी जाए। और इसमें हल्दी तुरंत डाल दूँगी और डालने के बाद इसे अच्छे तरह से चलाएँगे बस। इसमें और कोई मसाला नहीं पड़ेगा, कोई मसाला मैंने नहीं डाला है। और इसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए भूनने के बाद, मेरा पक गया है सब्जियां, इसमें मैंने डाल दिए हैं भुना हुआ बादाम और अच्छे से भून लूँगी। अब भूनने के बाद तुरंत मैं इसमें डाल दिया है, देख लीजिए, पोहा, जो कि पोहा को हम लोग चूरा भी कहते हैं, सभी जगह चूरा भी कहा जाता है, तो ये तो चूरा ही हम लोग इधर कहते हैं। अब बन जाता है चूरा का ये डिश, जब हम लोग का बनता है तो हम लोग पोहा कहते हैं इसको, पूरी को। तो और एक नींबू गाड़ देंगे, बस हो गया मेरा तैयार। नींबू गाड़ने के बाद गैस बंद कर दें और इसके बाद देखिए, गर्मा गर्म तैयार हो गया है हमारा पोहा। तो बताइए, खाकर टेस्ट कीजिए, क्या ऐसा पोहा खाया है अपना, बिल्कुल ही हेल्दी। तो मेहमान आ गए थे, हम लोग नाश्ता किया है, मेहमान आ गए थे तो उनके लिए चाय बनाई, नाश्ता कराई और इसके बाद सभी बर्तन को ले जाऊंगी। बस अब इत्मीनान से मुझे बाल झाड़ने हैं। और अभी सभी घर में नहीं हैं, सभी अपना अपना काम पर चले गए हैं और बस मैं बच गई हूँ, तो मैं अपना देखभाल भी कर लेती हूँ थोड़ा। आदि के पापा भी आ गए हैं तो वो भी बालों में तेल लगा लेंगे, और नाश्ता कर लिया है और फिर से निकल गए, बेचारे को फुर्सत ही नहीं है। तो चलिए, इनको फुर्सत नहीं मिलेगा कभी, तो चलिए वो गए हैं काम पर। हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी नाश्ता मेरा हो गया है और आज डेट, अब रोज़ फिर रोज़ मैं भूल जाती हूँ डेट बताना, तो आज है शायद 18 फरवरी है आज,
और दिन है शुक्रवार। तो आज शुक्रवार है, बढ़िया दिन भी मुझे लग रहा है। तो आज मैं तुलसी जी को निपाई करूँगी और धूप अब आने लगे हैं तुलसी जी माता के पास, तो थोड़ा हरे हरे पौधे होने लगे हैं, सभी खिलने लगे हैं। धूप के बिना तो तुलसी जी एकदम सूख से गए थे, लेकिन अब थोड़ा हरा हरा जैसा दिख रहा है क्योंकि धूप आते हैं। लेकिन और जो नीचे वाला जो निपाई कर लेती हूँ, नीचे मिट्टी का जो मैंने बनाया है तो उसे निपाई कर दूँगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा। अब पहले तो जंग लग जा, उसमें हरी हरी जो रहता है ना वो सारी चीज़ें आ गई थी, तो अगर निपूँगी तो धूप लगेगी उस पर, सूख जाएंगी तो अब सुंदर दिखेगी। वो है ना कि धूप सबको ज़रूरी होती है, चाहे जीव जंतु हो, पौधे हो या फिर कुछ और हो, धूप की सबकी ज़रूरत होती है भाई। धूप बिना तो सब बेकार ही है, कोई खिलेगा नहीं, कुछ नहीं हो सकता। तो चलिए मैं निपाई कर लेती हूँ पहले, इसके बाद आपसे मिलती हूँ। आज मैंने ये पहन रखा है बड़ा वाला कान का, तो इसे निकाल के रखती हूँ और छोटा वाला पहनती हूँ, क्योंकि बड़े वाले ना थोड़ा कभी कभी पहनने में अच्छा लगता है, दिन भर पहनने में लटकाने में ना मेरे अनस बढ़ने लगता है कानों में। तो चलिए इसको निकाल के रखते हैं और पहले दूसरा पहनते हैं। ये देखिए ये वाला पहनेंगे अच्छा रहता है, छोटा ही वाला, घर में कामकाजी महिलाओं को छोटा छोटा ही अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा क्योंकि बड़ा बड़ा मैं ना कान में ही रह जाऊंगी दिन भर, काम क्या होगा। तो फ्रेंड्स आ गई हूँ बाहर, जो कि तुलसी जी हैं यहाँ पर, तुलसी माता। तो यहाँ पर एक बाल्टी ले आई हूँ, जो कि ये बाल्टी पूजा वाले काम में ही आता है। ये बाल्टी मैंने ली थी किस लिए, जब हम लोगों का दशहरा आता है ना, 9 दिन पूजा वगैरह होता है, देवी स्थान धोती हूँ और पाठ वगैरह होता है, तो इसलिए ये बाल्टी ली थी मैंने। तो ये बाल्टी का यूज़ यहाँ पर मैं जब भी कोई चीज़ करती हूँ भगवान के लिए तो ये बाल्टी का यूज़ कर लेती हूँ, नहीं तो पीतल का लोटा यूज़ करती हूँ। और ये सारे बर्तन को मैं यूज़ यहाँ पर नहीं करती हूँ। तो इसमें ना मैं गंगा जल भी थोड़ा सा मिला ली हूँ, जिससे कि पानी शुद्ध हो जाता है और उसी से मैं निपाई सब कर दूँगी अच्छे से। और मिट्टी मैंने यहाँ पर से जहाँ तहाँ से मैं लेकर नहीं निपती हूँ, मिट्टी अलग तो है नहीं, तो इसी में से ज़मीन से ही नीचे से ले लेती हूँ। तो वो मैंने लिया है यहाँ पर क्या कहते हैं, उड़हुल का फूल का नीचे से लिया था और सबकी निपाई कर दी है, ये देख लीजिए। और सूखे वाले जो थे ना तुलसी जी, थोड़ा सा निकाल कर और मैंने रख दिए हैं, फेंकती नहीं हूँ मैं, इसी फूल में लगा देती हूँ, उड़हुल वाले फूल के नीचे मैंने दबा दिए हैं और उसी मिट्टी से मैंने सारे को तुलसी माता को नीप दी हूँ। और उस सब काम करने के बाद आ जाती हूँ इधर, तो ये है टंकी, जो कि मुझे इसे ऐसा फूल, ये फूल जानते हैं, ये फूल है सदाबहार फूल है, जो कि कहीं भी रोप दो अच्छा से लग ही जाते हैं। तो मैं छोटे छोटे उगे हुए थे द्वारे के पास, तो उसे निकाल लाए हैं और यहाँ पर मैं लगा दूँगी ताकि ये टंकी झक जाए, क्योंकि टंकी मुझे अच्छी नहीं लगती देखने में। तो ये जो बड़े बड़े हो जाएंगे ना तो टंकी झक जाएगी तो अच्छा लगेगा, ऐसे देखने में बड़ी ख़राब लगता है मुझे। तो बस फ्रेंड्स बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी जो कि आप लोग देखते नहीं हो। तो चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं। और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने लोग लाइक ज़रूर करें। और बस आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।